तो फ्रेंड्स, आज हम एक से लेके 100 तक के सारे नंबर्स ऑफ क्यू निकालना सीखेंगे बिल्कुल अलग तरीके से। और आप जो है आप भी सीख जाएंगे जब देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जो है हम एक से लेके 10 तक का क्यू निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब आपको 11, 12 या 13 ये क्यू, या फिर 23, 43, 55 इसका क्यू निकालने के लिए आपको बोला जाए, तो कहीं ना कहीं जो है आपको परेशानी होती है। तो मैं आपको जो है आज ये सारे नंबर्स की क्यू निकालने सिखा दूंगा फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी भी सीखने के कुछ जिज्ञासा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे क्यू निकालते हैं सारे नंबर्स के। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ क्यू, उसको चार तरीके से निकालते हैं। पहला, जिसका फर्स्ट फर्स्ट जो नंबर हो, फर्स्ट नंबर 1 से स्टार्ट हो। दूसरा जो होता है एंड विथ 1। तीसरा जो होता है सेम नंबर हो। और चौथा जो नंबर होता है फ्रेंड, डिफरेंट डिफरेंट नंबर। फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट नंबर बोलने का तात्पर्य है जैसे 12, 13, 14, 15, इवन 19 तक। देखिए फर्स्ट, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट। देखिए एंड विथ 1 कहने का तात्पर्य फ्रेंड 21, 31, 41, 51। ये देखिए फ्रेंड्स, एंड जो है 1 हो रहा है सारे नंबर्स। सेम नंबर्स कहने का फ्रेंड्स है, मेरा मतलब देखिए 11, 22, 33, 44, 55। और डिफरेंट नंबर जो होते हैं जैसे 23, 25, 45, ये देखिए डिफरेंट नंबर है। तो आई होप आपको जो है नंबर्स के जितने भी डिफरेंट टाइप्स है वो आपको समझ में आ गए। अब चलिए इन नंबर को निकाल के देखते हैं कि किस प्रकार से इस नंबर का क्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखिए, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, चूल लेटर जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है जैसे 12, 12 का क्यू हमको याद नहीं है सपोज दैट। जैसे बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि देखिए कम से कम स्क्वायर जो है 1 से 50 तक याद रखना चाहिए और जो क्यू है वो कम से कम 20 तक याद रखते हैं, लेकिन याद रखने के बावजूद हम रिविज़न नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई उसके कारण हमको क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। लेकिन जब भूल जाएंगे तो एक दूसरा मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जिससे आप भूल भी जाएंगे तो आप वहाँ पर निकाल के जो अपने कैलकुलेशंस को, मैथ को, कैलकुलेशंस को आप सही कर पाइएगा। तो चलिए 12 का क्यू निकालना है। तो कैसे 12 का क्यू निकालेंगे? 12 इंटू 12 इंटू 12, इतना करने तो नहीं जाना है, इतना तो हम कर नहीं सकते हैं। तुम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए 12 को लिख लीजिए, ठीक है। पहले ये फर्स्ट जो डिजिट है इसका एक बार स्क्वायर कर लीजिए, 4 आएगा, फिर इसका एक बार क्यू कर लीजिए। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, 2 का और सेकंड और थर्ड का जो है सेकंड का डबल कर लीजिए और इसका डबल कर लीजिए। बस अब आपको ऐड कर देना है, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8, 4, 12, यहाँ 1 कैरी कर लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए 1, 2, 3 और 3 और 4, 7 और यहाँ 1, 728, 1728 12 का क्यू होता है, सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब आपने सोचा कि चलिए 12 का क्यू तो छोटा होता है स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, थोड़ा बड़ा निकाल के देखते हैं। तो चलिए थोड़ा बड़ा संख्या को निकाल कर देख लेते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशंस आपका सही होना चाहिए। मान लीजिए हम जो है 15 ले लेते हैं, ठीक है, 15 ले लिए, 15 का क्यू निकालना हमको। मैंने क्या कहा, 1 और 5 लिख लीजिए, ठीक है, 5 का स्क्वायर कर लीजिए जो फर्स्ट डिजिट है 25 और क्यू कर लीजिए 125, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर
इसका डबल करेंगे 50, इसका डबल करेंगे 10। इसका फर्स्ट डिजिट को लेना है 5, यहाँ 12 है, इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, देखिए 75 और 12 कितना हो जाएगा, 87। 75 और 12 कितना हो जाएगा, 87 का 7 लिख लीजिए यहाँ पर 8। इस जो आएगा जो भी डबल संख्या ट्रिपल संख्या उसका फर्स्ट डिजिट को लिखना है, और उसका जितना भी वन जो भी है उसको कैरी करके यहाँ पर सेकेंड वाले नंबर के साथ ऐड कर देना। अब 8, 5, 13 और 10, 23 का 3, यहाँ से 2, यहाँ 2 लिख लीजिए, 3375। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से। तो 3375 आएगा फ्रेंड्स 15 का क्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्यू फर्स्ट चीज़ का स्टार्टिंग 1 से होगा, 90 तक हम देखेंगे सारे क्यू को निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला मैंने बता दिया आपको जो तरीका है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड विथ वन, जो नंबर्स के एंड 1 से होते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल 21, 31, तो मैं चलिए लेता हूँ एक नंबर, मान लीजिए 31 को लेता हूँ। ठीक है, मैंने 31 को ले लिया। अब जो काम मैंने सीधा किया उसी काम को यहाँ पर उल्टे तरीके से करना था। यहाँ 3 को स्क्वायर करेंगे 9, उसका फिर 3 का क्यू करेंगे 27। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है, इसका डबल कर लीजिए 6, इसका डबल कर लीजिए कितना 18, जोड़ लीजिए 1, 9, 27 का 7 और इसमें 2 इंक्लूड कर लीजिए तो कितना है 29,791, 31 का क्यू। आप 41 का करके देख लीजिएगा, 51 का करके देख लीजिएगा, 61 का करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जो नंबर्स के एंड 1 से होते हैं उसको किस प्रकार से निकालेंगे, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ। 31 को जो काम हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं उसी काम को हम एंड से करेंगे, मतलब उल्टा तरीका से। 31 को लिख लिए, 3 का स्क्वायर एक बार करना है, एक बार क्यू करना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, इसका डबल करके बस ऐड कर देना है। चलिए, जब नंबर सेम हो तो किस प्रकार से हम करते हैं, जब नंबर सेम हो, सेम नंबर हो, फॉर एग्जांपल 11, 22, ठीक है, 22 ले लेते हैं, 22 को ले लेते हैं, 22 का क्यू निकालना है हमको, 22 का क्यू निकालना है फ्रेंड्स, कैसे करेंगे देखिए, 2 का क्यू कर लीजिए, 4 बार 8 लिख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, 8 का डबल 16, जोड़ लीजिए 8, 16, 24 का 4, यहाँ 2, ठीक है, 10 और 26 का 6, यहाँ 2 करके ऐड कर लीजिए, 10,648। तो इस प्रकार से सेम नंबर वाले जितने संख्या है उसको हम इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत हो बोल सकते हैं कमेंट करके वैसे, ठीक है, उतारना है उतार सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, चलिए, जो नंबर्स ऑफ क्यू निकालने का जो लास्ट तरीका है डिफरेंस नंबर का उसको देख लेते हैं। देखिए, जो नंबर डिफरेंट हो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि डिफरेंट जो नंबर है आप 1, 4 ले सकते हैं, 1, 4 को तरीका मैंने बताया, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, जिसका स्टार्टिंग विथ 1 से होता है, 14 नहीं लेंगे, या फिर आप 21 लेंगे तो ये सेम डिफरेंट नंबर नहीं है, इसको उस तरीका से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसका एंड देखिए 1 से हो रहा है। सेम नंबर नहीं लेंगे, 22, 33, 11, इसको नहीं लेना है, इस ये अलग तरीके से निकलेगा, डिफरेंट नंबर जो है अलग तरीके से निकलेगा। डिफरेंट नंबर में फॉर एग्जांपल देखिए,
23, ये डिफरेंट नंबर है, 43, 25, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस सब नंबर का हम निकाल सकते हैं। 45, ठीक है, 66 नहीं लेंगे क्योंकि ये सेम नंबर है। उसी प्रकार से देखिए 63, ये डिफरेंट नंबर है, तो ऐसे नंबर को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 23 को लेते हैं, 23 का निकाल के देखते हैं क्यू। 23 का क्यू निकालिए। चलिए, तो 23 का क्यू निकालने से सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए क्या करना है, इसको 23 का क्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 का क्यू लिख लीजिए 8, और 3 का क्यू लिख लीजिए 27। अतः पहले वाला जो संख्या है 2, उसको क्यू कर लिए, 3 का क्यू कर लिए, और इसको फर्स्ट की जगह पे, इसको लास्ट की जगह। पहले वाला का अब स्क्वायर करिए, कितना आएगा 4, और इसमें इंटू कर दीजिए, कितना आएगा 12। उसी प्रकार सेकेंड वाला को भी करिए, 3 का स्क्वायर करिए 9, और 2 से इंटू करिए 18। बस इतना ही करना, रिपीट इट। चलिए इसको रिपीट करता हूँ। पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला जो नंबर है 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27। उसके बाद फिर आए यहाँ स्क्वायर किए, इसमें इंटू किए 12, फिर इसका स्क्वायर किए, इसमें इंटू किए 18। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, इसका डबल कर लीजिए, इसका डबल कर लीजिए। ठीक है, 27 का 7 लिखेंगे, 2 को यहाँ कैरी करके इसमें ऐड कर देंगे, 18 दो 20 और 36 56 का 6, और यहाँ 5 ऐड कर दीजिए इसमें, 24 बारह 36 और 5 41 का 1, 4 को यहाँ पर रख कर इसमें ऐड कर दीजिए, 12,167 23 का क्यू होता है। तो इस प्रकार से इसको भी हम सम को जो है क्यू निकालना, आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा नंबर्स ऑफ क्यूब किस प्रकार से निकालते हैं। अगर यदि आपको कोई इसके बावजूद भी कोई परेशानी होती है तो ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड। तो इस प्रकार से मैंने एक शॉर्ट तरीके से आपको जो है सारे नंबर्स की क्यूब निकालने बताएं, आशा है आई होप आपको समझ में आया होगा। और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, स्टे विथ अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।